अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम बनाएंगे मिक्स छोले, बहुत ही आसान, ज़बरदस्त और ज़ायकेदार, टेस्टी। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और साथ ही में आल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में आपको सबसे पहले मिले। जी तो व्यूज़, आज हम बनाएंगे मिक्स छोले। वीडियो को पूरा देखिए तो आप भी बहुत ही मज़ेदार मिक्स छोले बना सकेंगे। हमने मिक्स छोले एक एक पाव लिए, इनको जो है वो हमने धो के भगो दिया था 3 घंटे पहले। हमने इनमें बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया और इनको जो है वो हमने धो के फिर से अलग से एक बर्तन में ऐड कर लिया है। वीडियो को पूरा देखिए तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे ये आपने कहाँ से ट्रिक हासिल की है। प्याज कटी हुई हमने 3 इनमें ऐड कर दी है और लाल टमाटर 2 ऐड कर दी है कटी हुई, और हरी मिर्च हमने 8 से 10 जो है वो भी कट करके इनको ऐड कर दिया है, और 1 खाने का चम्मच जो है वो साल्ट ऐड कर दिया है हमने, नमक और लाल मिर्च का पेस्ट। ये भी वीडियो हमारे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। और मिक्स मसाला, ज़ीरा और जो है वो सूखा धनिया, और अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया है, और हल्दी ऐड कर देनी है 1 ही खाने का चम्मच हमने, और जितने हमारे पास चने हैं इनको हमने जो है वो उतना ही पानी ऐड करना है। इस तरह से हमने पानी ऐड कर देना है, जितने हमारे पास चने हैं उतना ही, और इनको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। जी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और इनको हमने जो है वो ऊपर से ढांप के मीडियम आग के ऊपर जो है वो हमने इनको रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। देखिए तो हमारे चने जो हैं इनको हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है। वीडियो को पूरा देखिए तो बहुत सारी राज की बातें आपको पता चल जाएंगी मिक्स छोले बनाने के लिए। इनको अब फिर से हमने जो है वो हिला देना है, और फिर से इनको हिलाने के बाद ढांप के रख देना है हमने, ताकि ये अच्छी तरह से हमारे चने जो हैं ये गल जाएं। देखिए तो इनका जो है वो पानी भी खुश्क होना शुरू हो गया है, और हमने इनको बार बार बीच में जो हिलाते रहना है। थोड़ी देर में इनका पानी खुश्क हो गया है, अब हमने इनमें ऑयल नहीं घी डाल के जो है वो इनको भून लेना है। कम से कम हमने 15 से 20 मिनट इनको घी डाल के जो है वो भूनना है इस तरह से। 15 से 20 मिनट भूनने के बाद देखिए तो हमने इनको अच्छी तरह से हिला हिला के भूनना है। 15 से 20 मिनट में ये हमारे चने जो हैं ये अच्छी तरह से भून जाएंगे, और इनको भूनने के बाद हमने इनमें जो है वो 1 गिलास पानी का ऐड कर लेना है। जी तो 1 गिलास हमने पानी का इनमें ऐड कर लेना है, पानी हमने नीम गर्म ऐड करना है, और इनको जो है वो फिर से हिला देंगे इस तरह से। हिला के अब जो हमने पानी ऐड किया है इसको भी हमने पका लेना है, ढांप के ऊपर से हमने जो है वो इसको पकने के लिए रख देना है। और 20 से 25 मिनट के बाद ये लीजिए तो फ्रेंड, आज की हमारी बहुत ही आसान, मज़ेदार और ज़बरदस्त मिक्स चने की रेसिपी आपके साथ हमने शेयर की। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो रेसिपी आपको सबसे पहले मिले, और साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। और खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए।